हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। आई वेलकम यू ऑल। कैसा रहा आप सबका संडे? मेरा बहुत बिजी रहा, और बिजी रहने के बावजूद अभी रात होने से पहले मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं मैं एक बार अपने व्यूअर्स से बात करके सोंगी। मेरे ना अंदर से मुझे याद आती है अपने चैनल पे आप लोगों के साथ अपियर होने की, आपके साथ बात करने की, ऐसा मुझे जबरदस्त कनेक्शन फील होने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, संडे तो क्या हुआ, 5 मिनट तो मैं बात करके ही सोंगी। एनीवेज, तो आज सुबह मेरे को एक मैसेज मिला था, लेकिन क्योंकि मेरा आज स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था तो मेरे को दिन भर टाइम ही नहीं मिल पाया, और लेकिन मैं सोचा कि मैं इसको देकर ही जाऊंगी आपको। और हाँ, आप लोगों की डिमांड आ रही है आपको लव रीडिंग चाहिए, तो लव रीडिंग्स 12 राशियों की अलग अलग बनाना तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं इसको एलिमेंट वाइज डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। एलिमेंट वाइज का मतलब होता है 4 एलिमेंट्स में, 12 राशियों को 4 एलिमेंट्स में बांटा गया है। भूमि तत्व राशियां जिसको अर्थ साइन बोलते हैं, वायु तत्व राशियां जिनको एयर साइंस बोलते हैं, फिर जल तत्व राशियां जिनको वाटर साइंस बोलते हैं, और देन होती है एयर, अग्नि तत्व, एयर साइन राशियां। तो हर एक 4 तत्व हैं और चारों तत्वों में हर एक में 3-3 राशियां आती, तो मैं इनको एलिमेंट वाइज बना दूंगी। तो 4 रीडिंग्स में अब लव रीडिंग्स आपको दूंगी इस महीने, अक्टूबर महीने के लिए, ठीक है। और लव रीडिंग्स करने से पहले मैं आपको एक मैसेज है मेरे पास जो मैं देना चाहती हूँ आपको। प्यार करें, प्यार किससे करना चाहिए? प्यार पहले, सबसे पहले खुद से करना सीखिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते होंगे और आप दूसरे से प्यार की उम्मीद रखेंगे ना, आपको निराशा हाथ लगेगी। इसलिए लव रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपका पहला प्यार आप खुद होने चाहिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए, तो उसके बाद आप लोगों से उम्मीद कीजिए कि वो आपसे प्यार करें। ओके, तो अगर आपको बाहर से प्यार नहीं मिल रहा है, यदि किसी व्यक्ति जिसके जिसकी वजह से ना आप ये लव रीडिंग देख रहे हैं, अगर उसके साथ आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसके साथ अगर आपकी कोई खटपट चल रही है और आप शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे को वैसा प्यार क्यों नहीं दे रहा, ये व्यक्ति मेरे को वैसा अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, तो इसका एक ही वजह है, इसकी एक ही वजह है कि आपने अपने आप को अभी खुद से प्यार करना नहीं सीखा। आपने अभी तक खुद को वो प्यार नहीं दिया जो आप दूसरे लोगों से डिमांड कर रहे हैं। जब आप अपने आप को वैसा प्यार करने लग जाएंगे ना जैसा आप दूसरों से चाहते हैं कि वो आपको करें, तब फिर दूसरे आपको वैसा प्यार करने लग जाएंगे जैसा आप उनसे चाहते हैं कि वो आपको करें। ओके, बात समझ में आई? थोड़ी ज्यादा गोल गोल तो नहीं होगी? तो ओके, सो इसका मेरा जो मैसेज था, दैट वॉज अनकंडीशनल लव का मेरा मैसेज था, जो शायद मैंने कल भी दिया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ उसमें कुछ अधूरा रह गया, उसमें कुछ छूट गया, मैं उसको एडिट करना चाहती हूँ उस मैसेज को। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं ना आई लव एक्स, आई लव वाई, आई लव जेड, जब भी हम ऐसा कहते हैं, तो प्यार के साथ में जब भी आपने किसी का नाम जोड़ दिया, नाम जोड़ते ही एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कंडीशनल लव करने लग जाते हो। आई लव एक्स पर्सन, यानी मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूँ तो इस व्यक्ति को भी मुझे वापस से रिटर्न बैक प्यार देना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति आपकी उम्मीद के अकॉर्डिंग खरा नहीं उतरता, तो फिर आपको क्या हो जाती है, रिग्रेट आता है, आपको निराशा हो जाती है, और आपके अंदर का वो प्यार का जो खूबसूरत पौधा जो आपने लगाया होता है ना, वो धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपको हर समय एक ब्यूटीफुल लव की फीलिंग होते रहना चाहिए। क्या करें उसके लिए, क्या करें कि कोई हमारा दिल तोड़ के ना जाए, क्या करें कि प्यार में निराशा हाथ ना लगे? उसको बहुत सिंपल, बहुत साधारण, बहुत छोटा सा तरीका, छोटी सी हीलिंग है। आप जब भी किसी से प्यार करें ना, आप जब भी किसी से प्यार करें ना, तो उसका नाम या उसकी उसकी इमेज जब आपकी आंखों के सामने आए ना, तो आप ये कहें, फॉर एग्जाम्पल, आई लव एक्स, ऐसा कहते हैं आपके दिमाग में इमेज आती है ना, तो आप ऐसा कहें, आई मीन लव। उसके आगे नाम ना जोड़े, उसके आगे किसी का नाम ना जोड़े। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। आप ना सिर्फ उस प्रेम को अंदर फील कीजिए, जिस उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति का नाम लेने के बाद में आपके अंदर जो फीलिंग आती ना, उस फीलिंग को आप एक्सप्रेस, इस फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं, सॉरी, उस फीलिंग को आप ना महसूस कीजिए। सी फॉर एग्जाम्पल, आप जस्ट ये कहिए, आई मीन लव, बस यहीं पर रुक जाइए। जैसे ही आप ये कहेंगे आई मीन लव, और आपका हार्ट जो होगा ना, हार्ट आपका प्रेम से भर जाएगा, एकदम छलकने लगेगा, उसमें से प्रेम छलकने लगेगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट, बहुत छोटा और बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। आप ये कहिए आई लव एक्स, जैसे ही आप ये कहते हैं आई लव एक्स, और आपका जो पूरा कंसेंट्रेशन होता है ना, वो एक्स पर चला जाता है, और
आप देखिएगा आपका ध्यान अपने दिल में प्यार है कि नहीं इस पे नहीं जाता है। आपका प्यार जैसे ही आप ये कहते हैं आई लव एक्स, और आपका ध्यान इस पे चला जाता है कि क्या एक्स भी मुझसे प्यार करता है, क्या एक्स को भी वो फीलिंग हो रही होगी जो मुझे हो रही है। बस ये आपके दुख का कारण है, यही आपके प्यार में फेल होने का कारण है। अब आप ये कहिए आई एम इन लव, और ये कहने के बाद अंदर से जो भरपूरता की, अबंडेंस की, लव की फीलिंग आती है ना, इस फीलिंग को आप महसूस कीजिए। जैसे ही आप ये कहेंगे आई एम इन लव और आप अपने मन में प्रेम को महसूस करेंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी, आपकी वाइब्रेशंस हायर हो जाएंगे, आप हाई वाइब्रेशन में ऑपरेट करने लगेंगे और आपके अंदर से लव की वाइब्रेशंस बाहर यूनिवर्स में निकलने लगेंगे। क्योंकि जब आप ये कहते हैं आई लव एक्स, तब आप नेगेटिव वाइब्रेशंस प्रोजेक्ट करते हैं, आप ये प्रोजेक्ट करते हैं कि एक्स की वाइब्रेशन कैसी है, तो एक्स की वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपका ध्यान एक्स की वाइब्रेशन पर है तो एक्स का ध्यान भी आपकी वाइब्रेशन पर होगा, प्यार पर दोनों का ही ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए आप ये कहिए आई एम लव, आई एम इन लव। ये कहने के बाद फील कीजिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आएंगे, सडन चेंज आएंगे, और विद इन सेकेंड्स आपकी बॉडी में चेंज आएंगे। आपको महसूस होगा कि आपको अंदर से खुशी खुशी की फीलिंग हो रही, आपको अंदर से रिलैक्सेशन की फीलिंग हो रही, आपको हैप्पी फीलिंग आएगी सिर्फ ये कहने से आई मीन लव, और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगी, आपके अंदर से पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलने लगेंगी। आप एक ऐसे रिसीवर बन जाओगे यूनिवर्स के लिए जो लव की फ्रिक्वेंसी डाल रहा है, यूनिवर्स में लव की फ्रिक्वेंसी डाल रहा है, और आप जैसी फ्रिक्वेंसी डालते हो ना वैसी फ्रिक्वेंसी आप तक लौट के आ जाती है। यानी कि आपको अब लव डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको व्यक्तियों से लव डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये कहना है आई मीन लव, लव विल कम टू यू। ये वैसे ही है जैसे कि पहाड़ों में खड़े होकर आप आवाज़ देते हैं ना, जो आवाज़ आप लगाते हैं वो रिटर्न बैक होकर आप तक आती है, आती ना ऐसा वैसा होता है ना, बस ये ऐसा ही है। आपको सिर्फ ये कहना आई मीन लव, आपको लव वाइब्रेशंस छोड़ देनी है, उसके बाद यूनिवर्स उसको बेस्ट वे में आपके पास रिटर्न करके लाएगा। ये है प्यार पाने का तरीका, ये है प्यार में सफलता पाने का तरीका, और ये है प्यार में दुख से बचने का तरीका, ये है प्यार में तकलीफ से बचने का तरीका। जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो उसको अनकंडीशनल लव देना शुरू कीजिए। इसलिए नहीं कि आप प्यार करते हो इसलिए बदले में आपको भी प्यार मिले, अगर आपने ऐसी उम्मीद रखी ना आपको कभी प्यार नहीं मिलेगा। आप सिर्फ प्रेम कीजिए, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना उससे कई गुना बढ़कर आपको प्रेम वापस रिटर्न होकर आएगा, अगर आपने प्रेम की उम्मीद करना बाहर से छोड़ दिया। एक और एक्सपेरिमेंट छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। जब आप ये प्रैक्टिस करें ना आई एम इन लव, ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिएगा, इसके बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे, और जब मिले तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक और एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये इस लेवल से हायर लेवल का एक्सपेरिमेंट है। जब आप इस लेवल पर कंफर्टेबल हो जाए आई मीन लव कह के छोड़ दें, आप जिस व्यक्ति को प्यार करते हैं ना बस आप मन में ही सोचें आई मीन लव और उसके बाद आप छोड़ दीजिए। इससे ऊपर का एक्सपेरिमेंट बताती हूँ मैं आपको। आई एम लव, मैं प्यार हूँ। जैसे ही आपने ये कहा ना आपकी वाइब्रेशंस 963 हर्ट्ज यानी कि आसमान छू जाएंगी। आई एम लव, मैं प्रेम हूँ। और ये बात आपने 5-7 बार दोहराई ना, आप अपनी बॉडी में आप केमिकल चेंजेस, बायोकेमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप महसूस करेंगे, और आपके अंदर से पूरी बॉडी में से आपको महसूस होगा कि बहुत तेज हायर फ्रिक्वेंसी की वाइब्रेशन आपकी बॉडी में से निकलने लगे। आई एम लव। और फिर ना पूरे यूनिवर्स से आपको प्यार की बरसात होगी, पूरे यूनिवर्स से आपको प्यार की बरसात होगी। एक बार आप अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए, एक बार आप ये महसूस कीजिए आई एम लव, आई डोंट नीड लव, आई डोंट वॉन्ट लव, बिकॉज आई एम लव, ये कहना शुरू कीजिए, इसको धीरे धीरे फील करना शुरू कीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये दो एक्सपेरिमेंट लव रीडिंग से पहले करके देखिएगा। आई थिंक 15-20 दिन, 1 महीना इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे ना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, और एक आध और बात थी, चलिए वो फिर और कभी कहूँगी, अभी फिलहाल हम लव रीडिंग शुरू करते हैं एलिमेंट वाइज। लेट्स स्टार्ट। Thank you.
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नाही, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती। अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मकर, वृषभ, कन्या राशियों के लिए अक्टूबर महीने की लव रीडिंग्स लेकर हाजिर हूं। मैं जब रीडिंग करने बैठी ना, चैनलिंग ऑफ द सॉन्ग, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ ना है, ऐसी सिचुएशन में अर्थ साइंस आप हो, आ रहे, आ सकते, आ जाओगे। लव रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, अक्टूबर 2019। ये रीडिंग इस तरह से चलेगी, 3 कार्ड्स फॉर यू, 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन, 1 कार्ड फॉर कनेक्शन एनर्जी, 1 कार्ड रीसेंट पास्ट एंड 1 कार्ड रीसेंट फ्यूचर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, पेज ऑफ कप्स, somebody was giving you a fake offer. Somebody was giving you a small offer. Somebody was not giving you as per your requirement. Somebody was not offering you as per your status. ये आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी। अभी कनेक्शन एनर्जी निकालते हैं। वाह, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, रीसेंट पास्ट, जजमेंट, फ्यूचर एनर्जीज, बी अवेयर। यस, कार्ड्स आर हियर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ओ वाह, बॉटम ऑफ द डेक, हायरोफेंट, मैरिज। क्या है इसका मतलब? Strange combination. आपके पर्सन की एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी में नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है, जो कि मेरे गले नहीं उतर रहा, इसलिए मैं इस पर ना क्लैरिफिकेशन लूंगी। यही क्लैरिफिकेशन है। फिर आ गए हाई प्रीस्ट, हाई प्रीस्टेस, पेयर। ये कितने दिनों से ये पेयर आ रहा है ना हमारे हमारी रीडिंग्स के अंदर, एक हाई प्रीस्टेस और एक हाई प्रीस्ट, डिवाइन पेयर। सी कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ये कनेक्शन ना, इसमें यूनियन होगी, इस कनेक्शन में यूनियन होगी। ओह यस, ये फ्यूचर एनर्जी बता रही है, आप अगर इस बारे में चिंतित हो ना, यूनियन होगी कि नहीं होगी, यूनियन होगी, होगी, यूनियन होगी, फ्यूचर में यूनियन होगी। गुड कार्ड। और बताओ, ये आपकी एनर्जी और ये आपका बॉटम ऑफ द डेक, ये व्यक्ति जो आपको पहले फेक ऑफर दे रहा था, ये व्यक्ति जो आपको ठीक, यही आपसे शादी करेगा, योर ट्विन विल मैरी यू। चलिए आपकी एनर्जी बताती हूं मैं, आप किसी तरह की कार्मिक रिलेशनशिप्स में बहुत समय से परेशान रहे, आपकी जिंदगी में बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस आए, सोलमेट रिलेशन भी आए होंगे जो कार्मिक रिलेशन की तरह बर्डन दे रहे थे, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी अगर आपका होगा ना, तो वो भी आपको पिछली साइकिल में कार्मिक रिलेशन की तरह बर्डन दे रहा होगा, टेंशन दे रहा होगा आपको। जैसे भी हो, कैप्रिकॉन्स, टॉरस एंड वर्गो, अर्थ साइंस, आपने इस कार्मिक सिचुएशन पर विजय पाई है, आपने इन कर्मों के बर्डन को, इन कर्मों के लोड को आपने कम किया है,
एनी हाउ सम हाउ आपने इन कर्मों के बर्डन को कम किया है, अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अकेले अपनी लड़ाई लड़कर, और आपने इस बैड कार्मिक साइकिल को खत्म किया है, या कर रहे होंगे, या अब ये जल्दी हो जाएगी। आपने अपने अंदर पूरी तरह से बदलाव लाया, ये तो कैप्रिकॉन की रीडिंग में बहुत दिनों से आ रहा है। आपने ना अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने बदलाव किया, आपने बहुत डेयरिंग दिखाई है, आपने बहुत हिम्मत हिम्मत के साथ में आपने कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाया कि आपने इस कार्मिक बर्डन से अपने आप को फ्री किया है, या आप कर रहे हैं, या आप कर लेंगे। और अर्थ साइंस आप ना विशेष फुलफिलमेंट, आप इस इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप इन कार्मिक बर्डन से आगे बढ़कर अब अपनी विशेष फुलफिल करने की तरफ आप आगे बढ़ चुके हैं। वेरी इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी। बहुत सारे अर्थ साइंस अभी कहेंगे ना कि ऐसा तो कुछ नहीं है, हम बहुत टेंशन में, तो ये आपकी फ्यूचर टाइमलाइन है, और ये टाइमलाइन आपके लिए पॉसिबल है। अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में से निकल जाओगे ना, ये टाइमलाइन आपके लिए पॉसिबल है। टैरो आपको सबसे बेस्ट टाइमलाइन जो आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, बेस्ट टाइमलाइन आपको दिखा देता है। अब उस पर जाना नहीं जाना, उसको चूज करना नहीं करना, वो तो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे हम आइसक्रीम की शॉप पर जाते हैं ना, आइसक्रीम सारे फ्लेवर्स वहां लगे हुए होते हैं, जो चाहिए फ्लेवर ले लीजिए आप, बस वैसा ही है जिंदगी, ऐसी ही है। डिफरेंट टाइमलाइंस आर हियर, आपको कौन सी टाइमलाइन पर जाना है, आपको क्या चूज करना है, आप चूज कर लीजिए, आप उस दिशा में बढ़ जाइए। तो ये अर्थ साइंस टॉरस कैप्रिकॉन वर्गो, ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी बताती है। रीसेंट पास्ट में ना आपका व्यक्ति, आपका पर्सन, इसको हीलिंग हुई है, ये ठीक हुआ है, इसकी एनर्जीज बैलेंस हुई है। हीलिंग का कार्ड है द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड। इस व्यक्ति को रीसेंट पास्ट में बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, या बहुत सक्सेस मिली है। और इस व्यक्ति का समय बदला है, सेवन ऑफ वांड्स कार्ड। इस व्यक्ति ने इस पोजीशन को बहुत मेहनत के साथ पाया है, और इस पोजीशन को इसने बहुत बचाने की कोशिश की है, और ये हीलिंग यानी इस जिस बैलेंस्ड एनर्जी में ये भी आया है, इसको भी ये बहुत अब बहुत बचाने की, बचा के रखने की कोशिश कर रहा है। ये बैलेंस में आ रहा है, इसकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, और जो कुछ ये अच्छा पाते जा रहा है ना अपनी लाइफ में, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब ये डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्शन मोड में नहीं है, नाउ ही इज इन डिफेंस मोड। जो है उसको बचा लेना, जो है उसको ना खोना, जो है उसको पाए रखना, ऐसी इसकी एनर्जी है आपके पर्सन की। किंग ऑफ वांड्स, ये व्यक्ति एक रिलायबल पार्टनर बनने की तरफ, एक प्रॉमिसिंग पार्टनर बनने की तरफ, एक लविंग केयरिंग पर्सन बनने की तरफ मॉडिफाई हो रहा है। अगर आपको इस व्यक्ति से पहले ये रहा, यदि इस व्यक्ति से आपको पहले शिकायत रही होगी कि इसने आपको ठीक तरीके से ऑफर नहीं किया, यदि आपको शिकायत रही होगी कि इस व्यक्ति से, ये व्यक्ति आपको ठीक तरीके से अप्रोच नहीं करता, आप ठीक तरीके से आपकी लव और केयर नहीं करता ना, ही इज चेंजिंग नाउ बिकॉज ऑफ इसकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि जो इसने खो दिया है, या आपके साथ इसने पहले कुछ गड़बड़ हो गई होगी ना, इस चीज को ये बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहा है। और ये एज अ पर्सन, ये ग्रो हो रहा है, एज अ पर्सन ये मेच्योर हो रहा है, एज अ पर्सन इसकी क्वालिटीज निखर रही हैं, हर दिन इसकी क्वालिटीज निखर रही हैं। और इसकी ना अपनी सेल्फ ग्रोथ पर अब ध्यान जा चुका है, इसका अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान जा चुका है। पहले ये पेज ऑफ कप्स एनर्जी में था, वेरी इमेच्योर एनर्जी, जिसको पता ही नहीं होता कि डीलिंग कैसे की जाती है, जिसको पता ही नहीं होता कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। नाउ ही इज लाइक मूविंग टू हीलिंग, हीलिंग के बाद में प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन के बाद किंग ऑफ वंड्स। ये व्यक्ति में ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। ये व्यक्ति बहुत ही सिंसियर, सेंसिटिव, केयरिंग पर्सन, लविंग पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरफ मॉडिफाई होना चाहता है, हो रहा है, और बहुत ही बारीकी से प्रिसाइजली ये व्यक्ति चेंज हो रहा है। और कनेक्शन एनर्जीज, कनेक्शन एनर्जी बहुत बहुत हेल्दी एनर्जी, हेल्दी। यू बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस वक्त में ये व्यक्ति भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, कैसे भी नहीं।
और न ही आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, इमोशनली भी नहीं, फिनेंशियली भी नहीं। आप दोनों अपनी अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली ग्रो कर रहे हो, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में डेवलप हो रहे हो। अच्छी एनर्जीज है, बहुत बहुत हेल्दी एनर्जीज है। एक हेल्दी रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए, ऐसी हेल्दी हेल्दी वाइब्स है इसके अंदर। नो कोडिपेंडेंसी, नो नार्सिसिज्म। दिस इज द हेल्दीएस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वन कैन हैव इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ। और ये सारा इतना बड़ा बिग चेंज क्यों आया बताऊं? पास्ट एनर्जी, ये देखिए जजमेंट कार्ड। पास्ट में आप दोनों ने जो भी एक दूसरे के प्रति रॉन्ग डीड्स की होंगी ना, ये कनेक्शन एक बार खत्म हो चुका था। इट वॉज ओवर, इट वॉज फिनिश्ड। इसके फिनिश होने के बाद में आप दोनों ने अपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, आप दोनों ने अपने अपने अंदर सुधार करना शुरू किया, आप दोनों ने अपना अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना शुरू किया। इसकी वजह से ये खूबसूरत बदलाव आए हैं। और जिनकी लाइफ में अभी तक ये बदलाव नहीं आया ना, आप ध्यान रखिए, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, सेल्फ लव में ऑपरेट कीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकल जाइए। ऐसे सुंदर बदलाव आपके अंदर भी आएंगे और आपके व्यक्ति के अंदर भी आएंगे। और फ्यूचर एनर्जी ये रहा, मैं इसको नाइन ऑफ सॉर्ड समझ रही थी कि ये कोई टेंशन का कार्ड, इट इज नॉट, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन मांगा। हाई प्रिस्टेस के साथ ये कार्ड आया। आप और ये दोनों ही व्यक्ति आगे आने वाले समय में मेडिटेशन करके अपनी एनर्जीज को और अधिक बैलेंस करेंगे। इस स्ट्रेस, इस पेन में से निकलने के लिए, अपने आप को पेन में से निकालने के लिए आप दोनों ही लगातार बैलेंस में आने की कोशिश करेंगे। दोनों ही लगातार बैलेंस, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी है ये, आप दोनों ही लगातार बैलेंस में आने की कोशिश करेंगे। नाइट नाइट कार्ड, नाइट का मतलब हो सकता है मे बी और रात के समय, लेट नाइट्स में आप लोग मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना रात में, शायद आई थिंक एक साथ आप और आपका व्यक्ति, यदि आप साथ हैं, यदि आप यूनियन में हैं, यदि आप साथ हैं, रहते हैं, एक साथ मेडिटेशन करने बैठिए, आपकी एनर्जी में गजब का चेंज आएगा। कुछ और कार्ड्स देखना चाहती हूँ। 1 2 3 तीन कार्ड्स। यस, यदि आपने ऐसा किया ना, आपकी मानसिक तनाव, आप लोगों के आपस के जो भी तनाव खत्म हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना शुरू करेंगे और आप दोनों को एनलाइटनमेंट होगा, आप दोनों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही खूबसूरत स्प्रेड है और इस खूबसूरत स्प्रेड में ना बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी इस स्प्रेड के अंदर। ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल ठीक दिशा में ग्रो कर रहे हैं और अगर ये इसी तरह से ग्रो करते रहेंगे ना, विजडम एनलाइटनमेंट, इन दोनों को विजडम और एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर ये कोई ट्विन कनेक्शन है, इसमें मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना है। इस दिशा में अगर ये बढ़ते रहे, इस कनेक्शन में मैरिज की पूरी पूरी संभावना है। तो टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, अर्थ साइंस, अक्टूबर लव रीडिंग, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। जिन लोगों ने अभी तक इस ब्यूटीफुल स्टेट को प्राप्त नहीं किया है, अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए। इतनी खूबसूरत टाइमलाइन आपके लिए भगवान ने बना रखी है, इस टाइमलाइन को आप हासिल कर सकते हैं थोड़े से प्रयास के द्वारा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।